हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन में बात करेंगे 23 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस उस साइड में बेल आइकन है नीचे इस तरह का, इसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए। कैनालिस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार किस देश का बन गया है? तो आपका राइट आंसर था इसका भारत। ठीक है, भारत इसमें सेकंड नंबर पे है। ये कल के क्विज का आपका सही आंसर था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए आज का पहला प्रश्न है अपना, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू भूधार नामक योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसने एक यहाँ पर योजना शुरू की है जिसका नाम है भूधार योजना। इसके संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। कुछ नीचे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे इनमें से। तो पहला ऑप्शन है कि इसके तहत भूमि पार्सल को 11 अंगों का विशिष्ट पहचान नंबर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी मतलब कि भूमि से संबंधित जो मतलब कि डाक द्वारा जो पार्सल वगैरह आते हैं उनको एक विशिष्ट नंबर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11 नंबर का। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि इसका उद्देश्य भूमि की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके जरिए जो मतलब कि जो भूमि से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो पार्सल उनको सुरक्षित रखकर भूमि सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही इसको शुरू किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस प्रकार की यह देश की पहली योजना है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये देश की इस तरीके की पहली योजना है। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त, सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पहला ए बी और सी तीनों यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पे जो इसके साथ ही ये जो योजना है इसका जो मेन मकसद है वो है राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी इस योजना को शुरू किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश की बात की है तो आप यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम ध्यान रख लीजिएगा, एन चंद्रबाबू नायडू अभी प्रेजेंट में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर कौन है? ई एस एल नरसिम्हन अभी प्रेजेंट में यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया, अभी हाल ही में जो रामनाथ कोविंद जी है वो दो देशीय दौरे पर रहे हैं, जिसमें एक वियतनाम शामिल है और एक ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों देशों का दौरा अभी इन्होंने पूर्ण किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों देशों के दौरे के बाद दौरान जो यहाँ पे हुए हैं जो घटनाएं हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए जो वियतनाम है इसके दौरान भारत और वियतनाम के बीच में 4 समझौते किए थे इस दौरे के दौरान। ठीक है, जिसमें रक्षा और तकनीकी ऐसे कुल मिला के 4 समझौते दोनों देशों के बीच में हुए हैं। उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया है, इस दौरे के दौरान जो है रामनाथ कोविंद जी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है जिसका नाम है एनजेक युद्ध स्मारक का जो है उद्घाटन किया है ऑस्ट्रेलिया में, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम की हमने बात की है तो थोड़ा सा इनके बारे में और मैं आपको बता देता हूँ। जो वियतनाम है उसकी कैपिटल हनोई है। ठीक है, हनोई वियतनाम की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो है डांग यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो ये हो गया वियतनाम। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न अपना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2016 की तुलना में वर्ष 2017 की रिपोर्ट में भारत में मलेरिया के आंकड़ों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा 24% की। देखिए यहाँ पे फोटो में थोड़ा मिसटाइपिंग है, ये 24% की जो है गिरावट आई है यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में। देखिए ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली WHO के द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार वैसे अगर ओवरऑल विश्व की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है
जो मलेरिया की जो आंकड़े हैं उनमें वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन भारत की मैं बात करता हूँ तो भारत में इन आंकड़ों में कमी आई है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और कितने प्रतिशत कमी हुई है, 2016 की और 2017 की कंपेरिजन करते तो ये हुई है 24% की यहाँ पे कमी हुई है इन आंकड़ों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार 2016 में जो मलेरिया के जो रोगी थे विश्व के अंदर वो थे 217 मिलियन, ठीक है। लेकिन अभी 2017 की मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर हो गए 219 मिलियन, विश्व की बात कर रहा हूँ मैं ना कि भारत की, ठीक है। यानी कि विश्व में कितने प्रतिशत कितने लोगों की जो है वृद्धि हुई है, 2 मिलियन जो है एक्स्ट्रा वृद्धि हो गई है यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 तक। लेकिन भारत में 24% की जो है कमी हुई है। देखिए एक और यहाँ पे पर्टिकुलर जो है उड़ीसा स्टेट उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। जो उड़ीसा है उसकी बात की है WHO ने पर्टिकुलर, और उसके अनुसार 2016 और 2017 की मैं बात करता हूँ, कंपेरिजन करता हूँ, तो उड़ीसा में 80 से 85% तक की जो है यहाँ पे आंकड़ों में कमी आई है, जो कि सबसे ज़्यादा है इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बात देखिए WHO की है हमने, तो WHO के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये जो है एक मतलब कि जो विभिन्न देश होते हैं विश्व के उनकी स्वास्थ्य संबंधित जो रिपोर्ट होती है उनको तैयार करता है, उनका समाधान उपलब्ध करवाता है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में WHO के कौन है, टेड्रोस अदनोम, यहाँ के अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं WHO के, टेड्रोस अदनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अपना दीदी द अनटोल्ड ममता बनर्जी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक पुस्तक अभी जो जारी हुई है दीदी द अनटोल्ड ममता बनर्जी, इसके लेखक पूछा गया तो आपका राइट आंसर होगा सुतापा पॉल, इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है और एक किस पर आधारित है, जो अभी वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल की CM है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मत्स्य दिवस आयोजित किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है 21 नवंबर को, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम UNEP का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है जोयस एम सुया को, जोयस एम सुया है UNEP के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। इससे पहले इस पद पर थे एरिक सोलहाइम, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसी के दौरान इनको कार्यकारी निदेशक चुना गया है जोयस एम सुया को। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा UNEP के बारे में आपको बता देता हूँ, ये UNEP क्या है, UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि जो ये यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन उसी के द्वारा संचालित एक संस्था है और इसका कार्य है विश्व में पर्यावरण संरक्षण संबंधित पहलुओं पर कार्य करता है ये। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी, नैरोबी जो कि केन्या का शहर है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है UNEP का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अपना केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए संस्थान नवोन्मेष परिषद कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो आपका राइट आंसर होगा उच्च शिक्षण संस्थानों का नवीनीकरण के लिए, जो जो मतलब कि उच्च शिक्षा संस्थान है उन्हीं के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है संस्थान नवोन्मेष परिषद कार्यक्रम, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात कहते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। ये पूछा जाता है काफ़ी बार जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसके मंत्री कौन है, तो आपको ध्यान रखना है अभी वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने मोहम्मद 6B नामक पृथ्वी पर्यवेक्षण सेटेलाइट को लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर होगा ये किया है मोरक्को के द्वारा, एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है मोहम्मद 6B। आपको बस ध्यान रख लेना कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, मोरक्को ने लॉन्च किया है, ठीक है। मोरक्को की बात की है तो यहाँ की कैपिटल आप ध्यान रख सकते हो राबत, यहाँ की जो है कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो है मोरक्कन द्रिम, यहाँ की करेंसी है, ठीक है। इसका जो उपयोग होगा इस सैटेलाइट का वो होगा जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं उनकी निगरानी साथ ही उनके प्रबंधन के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है मोरक्को के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे इंटरपोल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा किम जोंग येंग।
जो किम जोंग एंग है, जो कि दक्षिणी कोरिया से संबंध रखते हैं, इन्हीं को हाल ही में इंटरपोल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और इनका जो कार्यकाल रहेगा 2020 तक इनको इस पद पर चुना गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ये इंटरपोल क्या है और इसके बारे में थोड़ा कार्य क्या है इस इंटरपोल का। ठीक है, तो जो इंटरपोल है इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो कार्य है वो है विश्व भर में जो इसके सदस्य देश हैं उसमें बाल अपराध, मानव तस्करी और जो हथियार तस्करी वगैरह है उनकी रोकथाम के लिए ही ये कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अभी वर्तमान में 192 सदस्य देश हैं। अगर भारत की मैं बात करता हूँ तो भारत भी इसका सदस्य देश है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरपोल का वो कहाँ है? फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ का सबसे युवा गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है, जो मिली बॉबी ब्राउन है, ये यूनिसेफ जो संगठन है इसके सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए इनकी जो उम्र है केवल 14 वर्ष है और इसी के तहत इनको गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है यूनिसेफ का। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिसेफ के बारे में, ये क्या है। तो यूनिसेफ जो है ये भी यूनाइटेड नेशन द्वारा ही गठित एक संस्था है जिसका गठन किया गया था 1946 के अंदर। इसका जो कार्य है वह है जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य सहायता कर उपलब्ध करवाता है, साथ ही उनको भोजन आदि की व्यवस्था ये उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यही कार्य है यूनिसेफ का। इसका जो हेडक्वार्टर है मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि सरकार ने PPP मॉडल के तहत 6 देश के 6 हवाई अड्डों को लीज पर देने की मंजूरी दी है, यहाँ अंतिम पी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए यहाँ PPP आप देख रहे हो, इसमें जो लास्ट वाला पी है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका मतलब क्या है इनमें से, तो ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी आज की। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आपको लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।